हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जयमा टैरो में आपका स्वागत है। जयमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जयमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। जी हाँ, वर्तमान भावनाएं, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। ये रीडिंग जो है ही शी सेम जेंडर सभी लोगों के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप इसको देख सकते हो। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, बाकी छोड़ देना। ये पक्की बात है, आपको बहुत सारी क्लैरिटी के साथ एक ऐसी स्ट्रॉन्ग सी एडवाइस मिलेगी जो आपके रिश्ते को अच्छाई की तरफ और जोड़ने की तरफ लेके जाएगी, यानी कि एक कारगर एडवाइस सिद्ध होगी। तो चलिए देखते हैं डिवाइन आज आपके लिए कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। जय माता दी। फर्स्ट कार्ड कौन सा है? अर्थ साइन का आया गाइज, फोर ऑफ पेंटिकल। सेकंड कार्ड है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि अर्थ साइन आया है। डेथ का कार्ड आ गया गाइस, मेजर अरकाना का 13 नंबर का कार्ड। सेवन ऑफ कप्स, वाटर साइन भी आ गया और 10 नंबर है मेजर अरकाना का, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। थ्री ऑफ सोर्ड्स एयर साइन, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, द हैंगमैन, हैंगडमैन। गाइज, एट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज, यहां हमें अगर राशियों कार्ड की बात करें तो यहां हमें चारों साइन मिले हुए हैं। अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है, वाटर साइन की है। तो आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं की बात करें तो गाइज, मैं आपको ये बताऊं, इस टाइम जो आपका रिश्ता चला ना, आप में से बहुत से लोग नो कांटेक्ट में हो, बातचीत नहीं हो रही, आपका ब्रेकअप हुआ हुआ है। आपके पर्सन जो हैं, इन्होंने रिश्ते में आपको चीट किया है थर्ड पार्टी की वजह से। वो पार्टी इनकी फैमिली ज़्यादा हो रही है और नज़र आ रही है, जहाँ फाइनेंस नज़र आ रहा है। इसी इंसान ने थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल बहुत तोड़ा है। ये थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि बहुत बुरी तरह से इन्होंने आपका मन दुखाया है, आप बहुत परेशान रहते हो। ये नाइन ऑफ सोर्ड्स की जो कार्ड है, ये आपकी एनर्जी है कि आपको हो सकता है आप मेडिसिन भी स्लीपिंग पिल लेते हो। आप बहुत इस टाइम जो हो बहुत दुखी वक्त से गुजर रहे हो। आप अपने पर्सन, आपको इस चीज़ का ज़्यादा वो है कि ऐसा क्या हुआ जो मुझे आप बीच रास्ते में छोड़ दिया। इस पर्सन ने आपके साथ मैनिपुलेशन की है, बात बात पे झूठ भी बोलता है, और ये बात चीज़ें आप सब जानते थे, लेकिन आपने इस पर्सन को छोड़ा नहीं। कहीं कहीं आपको लगता था, और आप लोगों में से कुछ लोगों के ऐसे पर्सन थे कि जो प्यार तो करते थे, रिश्ते को आगे ले जाना नहीं चाहते थे, या इस रिश्ते के लिए सीरियस नहीं थे। इस वजह से रिश्ता जो है खराब हो गया है। बहुत से लोगों का इन कार्ड्स से ब्रेकअप
और बहुत से लोगों का ब्रेकअप कम बोलचाल यानी कि लेस कॉन्टेक्ट में कार्ड दिख रहे हैं। ये देखिए हमें जो फोर ऑफ पेंटिकल्स का और ये जो सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है ये बताता है कि सेवन ऑफ कप का कार्ड कि ये इंसान ने आपको एक ऑप्शन की तरह यूज करा है। जैसे होता है कि चल सीरियस तो है नहीं, नीचे हैंगमैन का कार्ड है, ये ऑप्शन की तरह यूज करा था और इसी वजह से आपका ब्रेकअप हो गया है। डेथ का कार्ड ये बताता है कि रिश्ता जो है इस टाइम, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों का ब्रेकअप है हो चुका है तो वैसा ही चल रहा है, लेकिन ब्रेकअप होने के बाद लेस कॉन्टेक्ट आने के बाद भी आपके दिल को तसल्ली नहीं है, आप और भी ज़्यादा दुखी परेशान रहते हो क्योंकि आप इस इंसान को बेहद पसंद करते थे, आपको पता नहीं था कि चीज़ें जो है इतनी ख़राब हो जाएंगी। तो हम अब इस पर्सन की वर्तमान भावनाएं देखते हैं। ये तो आपके रिश्ते की सच्चाई है जो पास्ट में आपके साथ हुआ जहाँ अब की एनर्जी, लेकिन इस टाइम ये जो पर्सन है इन्होंने आपको परेशान किया, इन्होंने दुख दिया या इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपको चीट किया या इस इंसान ने आपको ऑप्शन में रखा। उस टाइम इस इंसान को अपनी गलतियां भले ही नज़र नहीं आई, ये फाइव ऑफ कप्स का कार्ड ये है कि ये इंसान अब काफ़ी पछता रहे हैं, अब इतना पछता रहे हैं कि इनको लगता है कि जो कुछ करा इन्होंने गलत करा, इनको अपनी गलतियों का पूरा पछतावा है और ये चाहकर भी अपना पीछे का जो आप लोगों के साथ जो इनका वक्त बिताया है भूल नहीं पाए और अपनी गलतियां अपने धोखा अगर इन्होंने आपको दिया है, आपका दिल बुरी तरह से तोड़ा है तो इनको इस चीज़ का पछतावा है, अंदर ही अंदर इस पछतावे से बहुत दुखी हैं, इस अपनी सर्कस से बहुत दुखी हैं। वर्तमान इनकी स्थिति ऐसी है और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि डिवाइन के आगे प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने आपके और अपने रिश्ते के लिए, लेकिन ये पर्सन जो है जैसे कि मैंने बताया कि थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया था, हैं ब्रेकअप कर दिया या लेस कॉन्टेक्ट में है, लेकिन अब ये अपने रिश्ते के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि हमें मिला है सेवन ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड जो ये बताता है कि इस इंसान को काफ़ी पैशनेट है और आपके लिए आगे बढ़ना चाहता है और कोई ना कोई तरकीब या कोई ना कोई सलूशन निकालने में लगा हुआ है, रास्ता बना के आपकी तरफ आना चाहता है ये इंसान। और हमें जो दो ये दो कार्ड बने हैं मिले हैं ना, ये कार्ड दोनों बहुत बेटर है, लेकिन अगर बॉटम की एनर्जी देखो तो थर्ड पार्टी जो है अभी भी आप लोगों के रिश्ते में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैमिली और फाइनेंस ज़्यादा इस कार्ड्स में शो हो रहा है, तो फैमिली में इनकी जो फैमिली में लोग हैं वो अभी भी आपके और इनके रिश्ते में इंटरफेयर कर सकते हैं, इसलिए ये पर्सन जो है सोल्यूशन निकालने में लगा हुआ है और अंदर से डरता बहुत है। फैमिली में एक दो पर्सन ऐसे हैं जो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग है और इस पर्सन की आपके रिश्ते को लेके चलने नहीं देते। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बताता है वक्त आने वाला है, इन फ्यूचर ये आपकी जो चीज़ें जो है सही होंगी। और नीचे जो मिला हुआ है हमें एट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड, रीयूनियन का कार्ड है, रिकंसिलेशन का कार्ड है, इसमें लिखा है कि जितनी भी परेशानियां हैं ये पर्सन के साथ आपका रीयूनियन भी होगा, रिकंसिलेशन होगा। अगर आप मैरिज के बाद आपका मैरिज के बाद अनबन हुई है तो उसमें भी सुधार आएगा। ये फील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमें दिया है ना, जो ये है कि इन फ्यूचर आपकी चीज़ें सही होंगी, लेकिन आपने डिवाइन से भरोसा नहीं छोड़ना और अपने जो है मैनिफेस्ट करते रहना है और धर्म कर्म का काम करते रहना है, क्योंकि अभी भी आपके रिश्ते में जो ये बॉटम आया है ये इस पर्सन का बताता है कि ये थर्ड पार्टी अभी भी आपके रिश्ते में काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है। लेकिन ये पर्सन सबसे अच्छी गाइस ये बात है कि ये पर्सन ने सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर दिया,
तो चलिए देखते हैं कि जिस पर्सन ने कोशिश भी कर दी, थर्ड पार्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग है। व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि समय का पहिया घूमने वाला है, लेकिन हम देखेंगे कब तक। वाओ गाइस, ये देखिए हमारे पास दो कार्ड आए हैं, दोनों एक आया है एस ऑफ कप्स का कार्ड और सेकंड आया है हमें द चैरियट का कार्ड। ये दोनों बताता है कि जो जो इंसानों के रिश्ते, जो जो पर्सन इमोशनल है साथ में आपके साथ, रिश्ता थर्ड पार्टी की वजह से खराब हुआ है, इन फ्यूचर ये पर्सन आपको खुद प्रपोज करेगा। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है कि डिवाइन आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा लाने वाला है और ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेते हुए फटाफट से नजर आ रहे हैं। इनको आप अपनी गलतियों का आगे आगे और भी ज़्यादा एहसास होगा, तो ये अपने रिश्ते के लिए हाथ पांव मारेंगे। यहाँ अगर बात करें तो किसी किसी का 1 मंथ से लेके 7 मंथ या 7 वीक तक रीयूनियन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बॉटम में मिला है हमें 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो ये बताता है कि एक परिवार के साथ, यानी कि आपका एक परिवार बनेगा, फैमिली के साथ भी जो अनबने हैं, जैसे कोई मैरिज के बाद, शादी के बाद जिनकी अनबने चल रही हैं, वो सब सलूशन जो है सब चीज़ों को निकल आएंगे और हंसी खुशी फैमिली के बीच में आप एडजस्ट हो जाएंगे। तो आपके लिए भी एक एडवाइस देखते हैं, अब आपके लिए कौन सी एडवाइस है। एक एडवाइस कार्ड निकला है गाइस, एडवाइस कार्ड निकला है 2 ऑफ पेंटिकल्स का, जो ये बता रहा है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपका बीच बीच में डगमगाना, डोलना, रिश्ते के लिए अप डाउन होना, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा और रिश्ते के लिए थोड़ा सा मजबूत बनना पड़ेगा, तभी आपका रिश्ता जो है और भी जल्दी लाइन पर आएगा। तो ये थी आज की रीडिंग, जिसका टॉपिक था आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। पास्ट में भले ही कुछ भी हुआ हो, इस टाइम आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं बहुत अच्छी है, इनकी प्रेजेंट एनर्जी बहुत अच्छी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कीजिएगा लाइक, शेयर, कमेंट, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को टच करना मत भूलिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।